हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने वेवफॉर्म सिमेट्री पढ़ी थी। वेवफॉर्म सिमेट्री में हमने देखा था इफ वी आर एबल टू आइडेंटिफाई कि किसी भी पर्टिकुलर गिवन ग्राफ में हमें कौन सी सिमेट्रिकल कंडीशन मिल रही है, इन दैट केस इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू आइडेंटिफाई कि कौन कौन से फूरियर कोफिशिएंट्स हमारे सीरीज में नहीं आएंगे। तो हमने बच्चों इवन सिमेट्री, ऑड सिमेट्री, हाफ वेव सिमेट्री एंड क्वार्टर वेव सिमेट्री पढ़ा था। आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज, दैट इज एक्सपोनेंशियल या कॉम्प्लेक्स फूरियर सीरीज। इट कैन बी रिगार्डेड एज कॉम्प्लेक्स और एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज। Why complex? Because we'll be using the complex plane, and exponential because e to the power j theta या e to the power x ये forms हम लाएंगे। देखिए जैसे ही हम complex plane में जाते हैं the calculations become a little bit easy। तो बिफोर स्टार्टिंग विद द कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सीरीज मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूं। मैंने जे नोटेशन वाले लेक्चर में आपको बताया था कि ई टू द पावर जे थीटा दिस इज कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, ठीक है ना। दिस इज द यूलर्स आइडेंटिटी, इसको हम यूलर्स आइडेंटिटी भी बोलते हैं इन मैथमेटिक्स। आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा होगा, राइट अच्छा, by using this Euler's identity, हम sin theta और cos theta का value लिख सकते हैं। Sin theta can be written as, this is e to the power j theta minus e to the power minus j theta divided by 2j, clear है? अब देखिए e to the power j theta हमने निकाला है, ऐसे e to the power minus j theta अगर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, cos theta minus j sin theta। अपन दोनों expressions को अगर मैं माइनस करके 2j से डिवाइड कर दूं तो मुझे साइन थीटा मिल जाएगा। ऐसे ही बच्चों अगर मुझे कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, मैं सीधे दोनों एक्सप्रेशंस को डिवाइड कर दूं तो ऐड करके e टू द पावर j थीटा प्लस e टू द पावर माइनस j थीटा अपॉन 2। तो देखिए यहीं से मैंने j की जगह माइनस j रख के ये वैल्यू निकाल ली, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे साइन थीटा मिल गया, इन दोनों को ऐड किया तो मुझे कॉस थीटा मिल गया, राइट। अब बच्चों अगर मैं अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज का बेसिक एक्सपेंशन देखूं तो बेसिक एक्सपेंशन वॉज एफ टी वॉज ए नॉट प्लस समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इंफिनिटी, दिस वॉज ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी। ये बच्चों मेरा बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, आई होप अभी तक आपको याद हो चुका है। अब यहां से देखिए अगर मैं कॉस एन ओमेगा नॉट टी की वैल्यू लिखना चाहूं तो क्या आएगा बच्चों, ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी प्लस ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाई 2। मैंने यहां पर वैल्यू रख दी, आई गेट कॉस एन ओमेगा नॉट टू। ऐसे ही अगर मैं साइन एन ओमेगा नॉट टी का वैल्यू निकालना चाहूं तो आई विल गेट ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी माइनस ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाई 2j, राइट। अब बच्चों जे स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, जे स्क्वायर इज -1। देखिए ये आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बकायदा आपसे डेरिवेशन पूछता है, डिराइव एक्सपोनेंशियल फूरियर कोफिशिएंट्स फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर कोफिशिएंट्स। तो यहां पर आपको यही करना है, प्लस इस डेरिवेशन से आपको सी एन की वैल्यू भी पता चल जाती है जो अभी मैं बाय द एंड ऑफ द लेक्चर आपको बताऊंगा। चलिए अगर मैं यहां पर ऊपर नीचे जे से मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों तो साइन एन ओमेगा नॉट टी को मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखेंगे, माइनस जे बाई 2 एंड बाकी एज इट इज रहेगा ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी माइनस ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी। तो दिस विल बी साइन एन ओमेगा नॉट टी, दिस विल बी कॉस एन ओमेगा नॉट टी। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हमें क्या करना है, हमें यहां पर कॉस और साइन की जगह ये वैल्यूज रखनी है। तो जब मैं ये वैल्यूज रखता हूं तो मुझे एफ टी का वैल्यू मिल जाता है बच्चों ए नॉट प्लस, यहां पर इट विल बी एन इज इक्वल टू वन टू इंफिनिटी। अब ध्यान से देखिएगा ए एन एंड कॉस एन ओमेगा नॉट टी की जगह मैं 2 यहां रख दूं, इसको लिख सकता हूं ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी प्लस ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी, ठीक है ना।
प्लस समेशन को मैं अलग कर रहा हूं, एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, साइन एन ओमेगा नॉट टी की जगह माइनस जे बी एन बाई टू ऐसे लिख दू, एंड साइन एन ओमेगा नॉट टी की जगह ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी माइनस ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, e टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी के सभी टर्म्स को एक साथ ले रहा हूं। सबसे पहले मैं 1 बाई टू बाहर ले लू, राइट, यहां मैंने लगा दिया समेशन n इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी। अब देखिए e टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी के टर्म्स अगर मैं एक साथ ले लू तो मुझे क्या मिलेगा यहां पर, ए एन माइनस जे बी एन और यहां पर e टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी। वैसे ही दूसरे समेशन में बच्चों क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, 1 बाई टू यहां पे भी रखा रहने देते हैं और यहां बच्चों क्या मिल जाएगा, ए एन प्लस जे बी एन ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, मैं ये 1 बाई टू यहां से हटा रहा हूं ऐसे, ये 1 बाई टू यहां से हटा रहा हूं ऐसे, और ये मैं बच्चों लिख देता हूं यहां पे, ये मैं लिख देता हूं यहां पर। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इट्स वेरी सिंपल। अब देखिए इस टर्म को बच्चों मैं लिख रहा हूं सी एन, सी एन दिस इज ए एन माइनस जे बी एन बाई टू। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, अगर ये सी एन है तो ये चीज क्या लिखी है बच्चों, इसको सी माइनस एन लिख सकते हैं, दिस इज ए एन प्लस जे बी एन बाई टू। ऑब्वियसली अगर मैं कॉन्जुगेट ले लू, अगर मैं सी एन का कॉन्जुगेट ले लूं तो मुझे यही वैल्यू मिल जाएगी, तो मैं कॉन्जुगेट को एन की जगह माइनस एन रिप्लेस करके लिख रहा हूं, और इस ए नॉट को मैंने मान लिया ये सी नॉट है, मान सकता हूं, बिल्कुल मान सकता हूं। तो अगर मैं ये सभी अजम्पशंस ले लूं तो नाउ मेरा एक्सप्रेशन कैसा होगा, ध्यान से देखेंगे मैं अपने एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकता हूं ये हमें देखना है। चलिए अब मेरा एफ टी बच्चों क्या हो गया, नाउ आई कैन राइट माई एफ टी इज दिस इज सी नॉट प्लस समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, दिस इज सी एन ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी प्लस समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, दिस इज सी ऑफ माइनस एन ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी। तो दिस इज हाउ आई कैन राइट द वैल्यू ऑफ एफ टी। ध्यान से देखेंगे बच्चों, इसको मैं बाद में भी और मैनिपुलेट कर सकता हूं। क्लियर है? अब बहुत ही ध्यान से हमें देखना है कि मैं एक मैनिपुलेशन कर रहा हूं इस सेकेंड टर्म में। ध्यान देंगे बच्चों, केवल मैं ये सेकेंड टर्म यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। आप में से बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है, आप याद कर लेते हो बट लॉजिक नहीं समझ पाते हो। तो देखिए इसको समझने का तरीका क्या है, समझने का तरीका यह है बच्चों, क्या मैं यहां पर n को माइनस n से रिप्लेस कर सकता हूं, क्या कोई फर्क पड़ने वाला है, जरा ध्यान से सोच के देखिए। देखिए मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं 1 प्लस 2 प्लस 3 और दूसरी तरफ मैं आपसे कह रहा हूं 3 प्लस 2 प्लस 1, क्या इन दोनों एक्सप्रेशन का आंसर अलग अलग आना है? देखो यहां पर मेरे पास समेशन है, ठीक है ना, यहां पर बच्चों मेरे पास समेशन है। अगर मैं n को माइनस n से रिप्लेस कर लूं तो ये मेरा समेशन कैसा हो गया, ये मेरा हो गया माइनस वन से माइनस इंफिनिटी। अब एक चीज देखिए, वन से इंफिनिटी तक उतने ही टर्म्स का तो समेशन है जितना माइनस इंफिनिटी से माइनस वन टर्म्स है। भाई वन से इंफिनिटी मैंने उतने ही टर्म्स का तो समेशन लिया है ना जितना मैं माइनस इंफिनिटी से माइनस वन या माइनस वन से माइनस इंफिनिटी जा रहा हूं। देखिए मैं वन से इंफिनिटी जा रहा हूं, फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं माइनस वन से माइनस इंफिनिटी जा रहा हूं, तो जितना समेशन मैंने इधर लिया है उतना ही समेशन तो बच्चों मैंने इधर भी लिया है। बात समझ रहे हैं? तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन में एन की जगह माइनस एन रिप्लेस कर दूं तो मेरा सेकेंड टर्म कैसा बन जाएगा बच्चों, ध्यान से देखेंगे, दिस विल बी एन इज इक्वल टू माइनस वन से माइनस इंफिनिटी और सी ऑफ माइनस एन बच्चों मेरा क्या बन जाएगा, सी एन बन जाएगा, और एन की जगह मैंने माइनस एन लिखा है तो यह बन जाएगा जे एन ओमेगा नॉट टी। अब फर्स्ट टर्म देखिए और सेकेंड टर्म देखिए,
ठीक है ना, फर्स्ट टर्म मेरा क्या है, दिस इज माई फर्स्ट टर्म। अब अगर मैं इन दोनों टर्म्स को बच्चों कंबाइन कर दूं, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। अच्छा एक चीज और देखिए, इस सी नॉट को मैं कैसे ले सकता हूं, इस सी नॉट को बच्चों मैं लिख सकता हूं सी नॉट ई टू दी पार जे इंटू जीरो इंटू ओमेगा नॉट इंटू टी। देखिए ई टू दी पार जीरो इज वन, तो ये मैंने यहां पर सी नॉट ही तो लिखा हुआ है। अब इसको e टू दी पार जे एन ओमेगा नॉट टी लिखने से फायदा क्या हुआ, देखिए वन से इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी से माइनस वन, तो मैंने वो पूरा इंटरवल ले लिया है, प्लस ये जो वैल्यू है ये n इज इक्वल टू जीरो वाली वैल्यू है। देखो n इज इक्वल टू जीरो वाला टर्म ये है, माइनस इंफिनिटी से माइनस वन वाला टर्म ये है, और वन से इंफिनिटी वाला टर्म ये है। अगर बच्चों मैं ये पूरा इंटरवल देखूं तो माइनस इंफिनिटी से माइनस वन मेरे पास है, वन से इंफिनिटी मेरे पास है, केवल मेरे पास जीरो नहीं था। अगर मैं जीरो भी किसी तरह इस एक्सप्रेशन में ले आऊं तो मेरे पास पूरा एक्सप्रेशन हो गया माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। यही चीज मैंने की है, मैंने सी नॉट को मैनिपुलेट किया और एन इज इक्वल टू जीरो वाला टर्म बना दिया। अब एफ टी को अगर मैं देखूं, ध्यान से देखिएगा यहीं पर बच्चों सारा कैच है, एफ टी को मैं क्या लिख सकता हूं, अब एफ टी को मैं लिख सकता हूं एन इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। क्यों, क्योंकि माइनस इंफिनिटी से माइनस वन मेरे पास था, वन से इंफिनिटी मेरे पास था, जीरो वाला मैंने ऐड कर लिया, राइट। अब यहां पर मैं जनरलाइज कर दूं, सी को बच्चों मैं सी एन लिख दूं और ई को क्या लिख दूं जे एन ओमेगा नॉट टी। क्या मैं एफ टी को ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं बच्चों, आप इस एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करके चेक कर लो, आपको यही सीरीज मिलेगी। देखिए जब मैं माइनस इंफिनिटी से माइनस वन पे था तो ये एन नेगेटिव था, ये एन नेगेटिव था, तो मुझे सेकेंड टर्म मिल रहा था, समझ रहे हैं। जब मैं जीरो पे आया तो मुझे ये टर्म मिल गया, और जब मैं वन से इंफिनिटी तक गया तब मेरा एन प्लस हो गया, तब मेरा एन प्लस हो गया तो मुझे फर्स्ट टर्म मिल गया। तो टेक्निकली देखा जाए तो मैंने इसी सीरीज को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके ऐसे लिख लिया है, क्लियर है। तो दिस एक्सप्रेशन इज द कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज एक्सपेंशन, क्लियर है। इसी को बच्चों मैं कॉम्प्लेक्स फूरियर सीरीज एक्सपेंशन बोलता हूं। अब जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज एक्सपेंशन में देखा था, मेरे पास जो टर्म्स आ रहे थे ए नॉट ए एन बी एन, तो मेरे पास प्रॉपर मेथड्स थे उनका वैल्यू लिखने का, उनका फॉर्मूला लिखने का। तो यहां पर भी बच्चों ये सी एन को लिखने के लिए मेरे पास कोई ना कोई मेथड होना चाहिए कि मैं सी एन को कैसे इलेबरेट करके लिखूं। तो चलिए अब मैं देखता हूं कि कैसे मैं सी एन को एक्सपेंड कर सकता हूं, लेट्स चेक आउट। अब बच्चों सी एन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, व्हाट वी कैन डू इज, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को ई टू दी पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी से मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान से देखेंगे बच्चों इस इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं, तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा एफ टी, ध्यान से देखिएगा ई टू दी पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी, दिस विल बी समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी सी एन ई टू दी पार जे एन ओमेगा नॉट टी था पहले से, और ई टू दी पार माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी से बच्चों मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। साथ ही साथ मल्टीप्लाई करने के साथ मैं क्या करूं, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं फ्रॉम माइनस टी बाई टू से टी बाई टू, तो दिस विल बी फ्रॉम माइनस टी बाई टू से टी बाई टू, बिल्कुल कर सकता हूं बच्चों, इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, राइट। ये कुछ ऐसे हो गया। अब ध्यान से देखिए ये जो टर्म है, दिस इज ई टू दी पार जे एन ओमेगा नॉट टी इंटू ई टू दी पार माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी, तो ये कैंसिल होके वन हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये समेशन मैं हटा सकता हूं क्योंकि अब मैं एन की वैल्यू पे ऑपरेट कर रहा हूं। अब सी एन मैं अगर राइट हैंड साइड की बात करूं बच्चों, तो सी एन बाहर आ जाएगा और माइनस टी बाई टू से टी बाई टू डी टी ये रह जाएगा केवल। तो अगर मैं dt को इंटीग्रेट करूं फ्रॉम माइनस टी बाई टू से टी बाई टू, तो दिस विल बी सी एन इन टू टी। आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से बच्चों सी एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, सी एन विल बी वन अपॉन टी माइनस टी बाई टू से टी बाई टू, दिस विल बी एफ ऑफ टी ई टू दी पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व दी एक्सपोनेंशियल या कॉम्प्लेक्स फूरियर सीरीज।
ये मेरा सीरीज का एक्सपेंशन है बच्चों, FT, ये मेरा कोफिशियंट का एक्सपेंशन है। अब CN और C-N जो मैंने आपको अभी जस्ट ऊपर बताया था, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स हैं। अगर आप इस पे कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यू कैन वेरीफाई दिस, वो क्वेश्चंस करते वक्त आपने फर्स्ट ईयर मैथ्स में भी कई बार किया होगा। क्लियर है? तो दिस इज हाउ वी ऑपरेट ऑन एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स सीरीज, राइट? एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स फूरियर सीरीज। अब बच्चों हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपका पूरा फूरियर सीरीज का रिवीजन हो जाएगा। इस क्वेश्चन में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज के सिमेट्री वाले क्वेश्चंस को देखूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बेसिक क्वेश्चन की बात करूं जो हमने इनिशियली स्टार्ट किया था, अगर मैं एक वेवफॉर्म बना लूं, वही पुरानी वेवफॉर्म, और आपसे बोलूं कि इस वेवफॉर्म के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज लिखनी है, दिस इज योर वेवफॉर्म, राइट? दिस इज योर वेवफॉर्म। ऑब्वियसली दिए एक सिमेट्रिकल वेवफॉर्म है, इसको वी मान लेता हूं, इसको माइनस वी मान लेता हूं, दिस इज टी एंड दिस इज FT। ये आपका क्वेश्चन है और आपको बच्चों फूरियर सीरीज लिखनी है इसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज लिख लेंगे तो कॉम्प्लेक्स फूरियर सीरीज हम वहीं से बना सकते हैं, दैट इज नॉट अ बिग डील, ठीक है ना? तो हम कॉम्प्लेक्स फूरियर सीरीज के बारे में बात नहीं कर रहा है, मैं आपसे बोल रहा हूं इसका सिंपल फूरियर सीरीज एक्सपेंशन आपको लिखना है। एंड व्हाट इज गिवन इज दिस इज टी बाई, दिस इज माइनस टी बाई टू बच्चों, एंड दिस इज टी बाई टू। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, माइनस टी बाई टू और टी बाई टू का पोजिशन ध्यान से देखेंगे हम। अब सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं, देखिए मैंने आपको जब ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज बताई थी तो मैंने आपको यही लॉजिक बताया था कि सबसे पहले हम सिमेट्री चेक करेंगे कि इसमें सिमेट्री कौन सी है। तो मुझे इवन सिमेट्री तो दिख ही रही है, इवन सिमेट्री मुझे दिख रही है, बिल्कुल क्लियर दिख रही है। कैसे दिख रही है? वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है ग्राफ, इस एक्सिस के अबाउट मेरा ग्राफ बच्चों सिमेट्रिकल है, तो इवन सिमेट्री है। तो इवन सिमेट्री होते ही मुझे एक चीज तो पता है कि BN जीरो है, राइट? BN बच्चों मेरा जीरो है। अब जरा मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हमें चेक कर देना है कि हाफ वेव सिमेट्री है कि नहीं। तो हाफ वेव सिमेट्री के लिए बेस्ट तरीका क्या है बच्चों, इस ग्राफ को डिले कर लीजिए, पी बाई टू से इसको डिले कर लीजिए। अगर मैं इस ग्राफ मतलब हाफ पीरियड पे इसको डिले कर लीजिए, अब आप इसको डिले करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा, दिस विल बी लाइक दिस, राइट? दिस विल बी लाइक दिस एंड दिस विल बी लाइक दिस, दिस वे, ठीक है ना? उसके बाद आप इसको इन्वर्ट करोगे, जब आप बच्चों इसको इन्वर्ट करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि कौन सा सिमेट्री बन रहा है, ठीक है ना? तो हम उस पर वी आर नॉट ड्वेलिंग इन दैट पार्ट। आई होप आप सिमेट्री निकालना आप जान चुके हो। बाकी हाफ वेव सिमेट्री का मैंने आपको एक तरीका और भी बताया था, हाफ वेव सिमेट्री इसका मतलब हुआ हाफ टाइम पीरियड पे ग्राफ को डिले कर देंगे, ठीक है ना? हाफ टाइम पीरियड पे ग्राफ को डिले करके चेक करेंगे कि एक्स एक्सिस पर एक दूसरे के इमेज है या नहीं। तो यहां पर चलिए मान लीजिए आपको वेव सिमेट्री निकालना नहीं आ रहा, इवन ऑड आप निकाल रहे हो बट आप हाफ वेव या क्वार्टर वेव नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे तो इस पर सिमेट्री कौन सी है ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बाकी मैं भी आपको कैलकुलेशन से भी दिखाता हूं कि कैसे वो सिमेट्री है। चलिए मान लेता हूं मुझे कुछ नहीं मालूम कि इसमें कौन सी सिमेट्री है, बट मैं ग्राफ तो रीड कर सकता हूं। अगर मैं ग्राफ रीड कर रहा हूं तो आई कैन क्लियरली से कि FT का वैल्यू मेरा जीरो से टी बाई फोर तक, देखिए वी वैल्यू है फॉर एवरी टी लाइंग बिटवीन जीरो से टी बाई फोर, इसमें कोई डाउट? दिस इज जीरो, दिस इज टी बाई फोर, फंक्शन का वैल्यू है वी, ठीक? अच्छा, टी बाई फोर से टी बाई टू या थ्री टी बाई फोर से टी तक फंक्शन का वैल्यू कितना है भाई? इस पर्टिकुलर ग्राफ में अगर ये टी बाई टू है बच्चों तो ये टी होना चाहिए। आई होप आपको ये लॉजिक क्लियर हो रहा है। ये चीज t बाई फोर है, ये t बाई टू है, ये 3t बाई फोर है, ये t है, ठीक है ना? तो t बाई टू से 3t बाई फोर, भाई t बाई फोर से 3t बाई फोर, भाई दिस इज t बाई फोर,
दिस इज टी बाई टू, दिस इज थ्री टी बाई फोर. तो टी बाई फोर से बच्चों, टी बाई फोर से थ्री टी बाई फोर तक ग्राफ का वैल्यू कितना है? माइनस वी है. देखिए ग्राफ का वैल्यू माइनस वी है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. फिर बच्चों अगर ये वाला पॉइंट टी था तो थ्री टी बाई फोर से लेकर टी तक ग्राफ का वैल्यू फिर से वी है. देखिए ये ग्राफ का वैल्यू वी है. अब देखिए मैंने क्यों टी तक लिया, मैंने जीरो से टी, नॉर्मली हम इंटरवल को जीरो से टी लेते हैं. जरा जीरो से टी तक इस ग्राफ को बनाया, अगर देखिए ये पॉइंट मेरा टी था तो जीरो से मैंने शुरू किया, मैं यहां तक गया, मैंने ये साइकिल पूरी की और ये वाला पॉइंट मेरा टी हुआ. ठीक है ना, ये वाला पॉइंट मेरा जीरो हुआ और ये वाला पॉइंट बच्चों मेरा टी बाई टू हुआ. राइट, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होने चाहिए. देखिए हाफ पीरियड, हाफ वेव सिमेट्री अगर मुझे चेक करनी है तो मैं हाफ पीरियड चेक करता हूं. अब बच्चों जरा ग्राफ बनाइए इसका माइनस टी बाई टू से जीरो तक, ध्यान से देखिएगा. देखो अगर सिमेट्री की कंडीशन ग्राफ पे समझ में आ गई तो आगे के क्वेश्चंस आसान हो गए. अब माइनस टी बाई टू से अगर मैं स्टार्ट करूं तो पहली चीज तो ये ऐसे चला जाएगा और माइनस टी बाई टू मतलब मेरा ग्राफ यहां पर रुक जाएगा. क्लियर है ना, माइनस टी बाई टू. देखिए ये हुआ मेरा माइनस टी बाई टू से लेके टी बाई टू, ये मेरा जो रेड रंग से मैंने, रेड कलर से मैंने बनाया है, दिस इज माइनस टी बाई टू, दिस इज माइनस टी बाई टू, दिस इज टी बाई टू. क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. मैंने आपको हाफ वेव सिमेट्री चेक करने में लॉजिक भी यही बताया था कि हाफ पीरियड पे वेव फॉर्म बना के डिले करके इन्वर्जन करके चेक करते हैं, तो वो अभी हम मैथमेटिकली भी वेरीफाई कर लेंगे. देखिए ग्राफ का वैल्यू मेरा इतना आया है, इसमें आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. चलो अब सबसे पहले अगर मैं ए नॉट का वैल्यू निकालूं तो ए नॉट का मैंने वैल्यू क्या देखा था, वन अपॉन टी माइनस टी बाई टू से टी बाई टू एफ टी डी टी, ये ए नॉट का वैल्यू था. अब अगर मेरा एफ टी इवन फंक्शन है, जो मुझे क्लियरली समझ में आ गया, यहां से मुझे इवन फंक्शन तो समझ में आ गया है, तो मैं इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूं, जीरो से टी बाई टू एफ टी डी टी. राइट, अब जीरो से टी बाई टू तक बच्चों देखिए, दिस इज जीरो, दिस इज टी बाई टू, ये है मेरा इंटरवल, ये जीरो से टी बाई टू दिस वन. अब जीरो से टी बाई टू देखिए, जितना पॉजिटिव वैल्यू है उतना ही नेगेटिव वैल्यू है. आप इंटीग्रेट करके भी देख लो, जीरो से टी बाई टू इंटीग्रेशन को आप कैसे करोगे, टू बाई टू टू बाई टी, जीरो से टी बाई फोर, यहां पर फंक्शन है वी डी टी, प्लस टी बाई फोर से टी बाई टू, यहां पर फंक्शन कितना है माइनस वी डी टी, पूरा इंटीग्रेट करोगे तो आपको जीरो ही मिलेगा. क्लियर है, तो यहां से ए नॉट का वैल्यू भी देखिए जीरो आ रहा है. अभी भी जो बच्चे सिमिट्री नहीं पकड़ पाए कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं मैथमेटिकली आपको सॉल्व करके दिखाता हूं अभी. क्लियर है, बी एन मुझे मालूम है जीरो है, ए नॉट मैं जीरो निकाल चुका हूं. अब जरा ए एन की बात करें, मान लेता हूं मुझे अभी भी समझ में नहीं आया है, तो ए एन का व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए एन, टू अपॉन टी माइनस टी बाई टू से टी बाई टू, फाइन, एफ ऑफ टी कॉस एन ओमेगा टी डी टी. राइट, अब माइनस टी बाई टू से टी बाई टू को मैं इसको कर दूं फोर बाई टी, ध्यान से देखेंगे, दिस इज जीरो से टी बाई टू एफ ऑफ टी कॉस एन ओमेगा टी डी टी. अब जीरो से टी बाई टू को अगेन मुझे वैसे ही ब्रेक करना पड़ेगा, फोर बाई टी बिग ब्रैकेट में बाहर कर लेता हूं, जीरो से टी बाई फोर तक मेरा फंक्शन हो जाएगा वी कॉस एन ओमेगा टी डी टी, प्लस टी बाई फोर से टी बाई टू तक हो जाएगा बच्चों माइनस वी कॉस एन ओमेगा टी डी टी. राइट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अब इसको देखिए कैसे लिख रहा हूं, फोर अपॉन टी ये हो जाएगा वी अपॉन एन ओमेगा साइन एन ओमेगा टी, लिमिट कहां से कहां तक है बच्चों, जीरो से टी बाई फोर.
यहां माइनस बाहर लगा देता हूं, ये हो गया वी अपॉन एन ओमेगा, ये हो गया साइन एन ओमेगा टी, ये हो गया बच्चों टी बाई फोर से टी बाई टू, ये मेरा ब्रैकेट बाहर। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। चलिए अब देखते हैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू आता है। आई होप आप लिमिट्स रख लेते हो, क्योंकि बच्चों अगर लिमिट रखने में प्रॉब्लम है तो ये बड़ी प्रॉब्लम है फिर। चलो देखो, जीरो से टी बाई फोर, तो जीरो पे तो फंक्शन जीरो हो जाएगा, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, वी अपॉन एन ओमेगा, एंड ये आ जाएगा बच्चों साइन एन ओमेगा टी बाई फोर। पहला वाला देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? फाइन। चलो यहां पर देखिए कितना आएगा, माइनस साइन एन ओमेगा टी बाई टू, और जो दूसरा वाला टर्म था बच्चों वो प्लस हो जाएगा, प्लस साइन एन ओमेगा टी बाई फोर। ध्यान से देखिए, इसमें बताइए अगर किसी को कोई डाउट हो तो। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, राइट? क्लियर? अब देखो टी इज इक्वल टू होता है टू पाई अपॉन ओमेगा। अब टी की जगह जब आप टू पाई अपॉन ओमेगा लिखेंगे, तो वैसे तो अब तक आपको ये सब स्टेप पता होंगे, तो फिर भी मैं एक क्वेश्चन में ये कर देता हूं। एन ओमेगा टी की जगह मैंने लिख दिया टू पाई अपॉन ओमेगा, यहां पे है फोर, यहां पे माइनस साइन एन ओमेगा टू पाई अपॉन ओमेगा, यहां पे है टू, प्लस साइन एन ओमेगा टू पाई अपॉन ओमेगा, यहां पे है फोर, राइट? अब देखो बच्चों, ओमेगा 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 ओमेगा, ये पाई बाई टू, ये पाई बाई टू, और ये पाई, तो ये तो साइन पाई का मल्टीपल है, ये तो हो गया जीरो, ये हर हालत में जीरो ही आना है, राइट? तो मेरा ये टर्म अब मॉडिफाई होके बच्चों क्या आ जाएगा, दिस विल बी फोर अपॉन टी, दिस विल बी फोर अपॉन टी वी अपॉन एन ओमेगा, बिल्कुल क्लियर है? टू टाइम्स ऑफ साइन एन पाई अपॉन टू, देखिए यही हो जाएगा। क्लियर? सिंपल, मैं यहां तक पहुंच गया। अब जरा मैं देखता हूं कि मैं इस टर्म को और कैसे सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं, और कैसे मेरी सिमिट्री की कंडीशन बनेगी अगर मैं और सिंप्लीफाई कर लूं। चलिए अब यहां पे बच्चों ओमेगा की जगह मैं फिर से टू पाई अपॉन टी रख दूं, अगर ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई अपॉन टी रख दूं, तो ये हो जाएगा फोर वी टू पाई एन, और टी से टी कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर मेरे पास है टू साइन एन पाई बाई टू, राइट? तो दिस टू अगेन गेट्स कैंसिल्ड, और मुझे क्या मिल गया, मुझे एफ टी का वैल्यू मिल गया, लास्ट फाइनल वैल्यू जो मुझे मिला दैट इज फोर वी अपॉन एन पाई, और यहां पर मेरे पास है साइन एन पाई बाई टू, तो ये मुझे फाइनल एफ टी का वैल्यू मिल रहा है। अब बच्चों यहां पर जरा देखिए, फिर से एक बार देखिए, अगर मैं एन की इवन वैल्यूज रखता जाऊं, इवन वैल्यूज, एन की सिर्फ इवन वैल्यूज, मतलब एन को टू रख दूं, फोर रख दूं, सिक्स रख दूं, एट रख दूं, तो यहां पर जरा देखो, जब टू रखूंगा तो पाई, फोर रखूंगा तो टू पाई, तो एवरी टाइम आई विल गेट द मल्टीपल ऑफ साइन पाई, और साइन पाई के मल्टीपल जीरो होते हैं, दैट मीन्स मेरा जो एफ टी आ रहा है बच्चों, दिस इज जीरो फॉर एवरी इवन एन, इवन एन, ये एफ टी नहीं, बेसिकली ये मेरा ए एन था, राइट? ये मेरा ए एन था। तो आप जरा ध्यान से देखो कि ए एन का वैल्यू इवन वैल्यूज के लिए जीरो आ रहा है। अब अगर आपको हाफ वेव सिमिट्री की कंडीशन याद हो, तो मैंने आपको क्या बताया था, हाफ वेव सिमिट्री में ए नॉट जीरो आता है, ठीक, और ए एन और बी एन की वैल्यू एन इज इक्वल टू इवन के लिए जीरो आती है, तो बी एन तो जीरो है ही, क्योंकि इवन सिमिट्री भी थी। अच्छा, हाफ वेव सिमिट्री भी है, क्लियर? अगर इवन सिमिट्री भी है और हाफ वेव सिमिट्री भी है, तो मतलब यहां पर क्वार्टर वेव सिमिट्री है। अब जरा वापस से, अच्छा एक एक दो चीजें और, जरा n इज इक्वल टू ऑड के लिए मैं आपको निकाल के बता दूं, मान लेता हूं n का वैल्यू 1 है,
तो एन का वैल्यू अगर वन होगा बच्चों तो पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू यानी कि वन, तो क्या क्या वैल्यू आएगी, फोर वी अपॉन एन पाई, ये एन इज इक्वल टू वन के लिए आएगी। एन इज इक्वल टू थ्री के लिए बच्चों देखते हैं क्या आएगी, एन इज इक्वल टू थ्री के लिए थ्री पाई बाई टू माइनस, यानी कि माइनस फोर वी अपॉन एन पाई। फिर फाइव के लिए कितना आ जाएगा, वो प्लस आ जाएगा। फिर सेवन के लिए कितना आ जाएगा, वो माइनस आ जाएगा। मतलब मुझे एन इज इक्वल टू ऑड के लिए तो प्रॉपर मल्टीपल वैल्यूज मिल रही हैं, लेकिन एन इज इक्वल टू इवन के लिए मुझे कोई वैल्यू नहीं मिल रही। ठीक, अब जरा वापस से अपने क्वेश्चन पे जाते हैं, देखते हैं कि मैंने स्टार्ट कहां से किया था। ध्यान से देखेंगे बच्चों, स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट ये था मेरा, यहां ये मैंने आपको यहां पर लाकर छोड़ा था, और मैंने आपसे बोला था कि जो बच्चे अभी भी नहीं समझ पाए हैं कि सिमेट्री कौन सी है वो कैलकुलेशन से देखें। तो कैलकुलेशन से मैंने क्या क्या कंक्लूड किया, देखो bn इज इक्वल टू जीरो, ये मैंने इवन सिमेट्री से पकड़ लिया, इवन ऑड तो मैं पकड़ लेता हूं। ए नॉट इज इक्वल टू जीरो, मैं नहीं समझ पाया था कि हाफ वेव या क्वार्टर वेव है, तो बच्चों मैंने ए नॉट सॉल्व कर लिया, तो ए नॉट मेरा जीरो आया। फिर ए एन इज इक्वल टू जीरो आ गया फॉर एवरी इवन एन, हर इवन वैल्यू के लिए, एन की हर इवन वैल्यू के लिए मेरा ए एन जीरो आ गया। लेकिन ए एन की वैल्यू आई कब, जब एन ऑड था। ठीक, अब वापस से अगर आपने पुराना लेक्चर देखा होगा तो वहां पर जाइए और देखिए कि क्या कंडीशंस थी। यही सारी कंडीशंस हैं हाफ वेव सिमेट्री की, ठीक है ना। अब देखो वो बच्चे जो ये कैच कर गए कि ये हाफ वेव सिमेट्री है, अब देखिए आपको ऐसे नहीं करना है जैसे मैंने किया, ये तब करना है जब आप सिमेट्री नहीं पकड़ पा रहे हो। अब आपको टाइम बचाने के लिए क्या करना है, अब इस ग्राफ में देखो इवन सिमेट्री आप पकड़ ले गए, अब एक बार हाफ वेव सिमेट्री भी देखते हैं। हाफ वेव सिमेट्री में मैंने आपसे क्या बताया था, अपने ग्राफ को पकड़ लेना है माइनस टी बाई टू से टी बाई टू के बीच में, किसी एक पार्ट को फिक्स कर देना है, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, मैं इस पार्ट को फिक्स कर देता हूं, मान लिया मैंने इस पार्ट को फिक्स कर दिया, इस पार्ट को मैंने फिक्स कर दिया, इस पार्ट को मैंने फिक्स कर दिया। ठीक, नीचे फिर से बनाता हूं आपके रेफरेंस के लिए ताकि आपको बेहतर से समझ में आए। चलिए ये, तो भाई एक पार्ट जो मैंने फिक्स किया था वो ये है, ये पार्ट बच्चों मैंने फिक्स कर दिया। ठीक, अब मैंने आपको क्या समझाया था कि जो दूसरा पार्ट है ये वाला, इसको p बाई टू शिफ्ट कर देना है, प्लस टी बाई टू मतलब पीछे ले जाना है। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, पीछे ले जाने पे क्या हो रहा है, इस वाले हिस्से को जब मैं पीछे ले जा रहा हूं तो क्या हो रहा है, ये वाली जो लाइन थी मेरी ये यहां आ गई ए ऐसे, ठीक, ये लाइन एज इट इज यहां रही ऐसे, और ये वाला पार्ट यहां आ गया। तो अब देखिए मेरा ग्राफ ये है और मेरा ग्राफ ये है, ठीक, मैं इन दोनों को ही ऊपर नीचे बना रहा हूं ताकि आपको और बेहतर समझ में आए। एक पार्ट ये है बच्चों, ठीक है ना, और दूसरा पार्ट है ये ए ये। अब आप मुझे देख के बताओ, अगर यहां पर मिरर रखा है तो क्या ये एक दूसरे की इमेज नहीं है, देखिए ध्यान से, अगर यहां पर मिरर रखा है तो क्या ये एक दूसरे की इमेज नहीं है, तो क्या ये हाफ वेव सिमेट्री नहीं है। तो ये अगर आप ग्राफ से कैच कर ले गए तो आप देखो आपको ए नॉट भी नहीं निकालना पड़ा, बी एन भी नहीं निकालना पड़ा, ए एन ऑड के लिए इवन के लिए नहीं निकालना पड़ा, केवल आपको ए एन ऑड के लिए निकालना पड़ा। क्लियर है, तो ये है लॉजिक, ये है कॉन्सेप्ट से फायदा कि अगर आप सिमेट्री पहचान ले रहे हो, ये चीज आप फर्स्ट ईयर में नहीं करते थे। मैंने जो क्वेश्चन आपको अभी सॉल्व करके दिया ये वैसे ही किया जैसे आप फर्स्ट ईयर में फोर ईयर सीरीज सॉल्व करते थे, कैसा भी कंडीशन दिया हो आप सीधे स्टार्ट कर देते थे ए नॉट ए एन बी एन सब निकालना शुरू। बट यहां पर अगर आप सिमेट्री कैच कर लेते हो तो देखिए कितना चीजें आसान हो जाती है। क्लियर है, आई होप अब आप फोर ईयर सीरीज के क्वेश्चन कर लोगे। क्लियर है, आप फर्स्ट ईयर की मैथ्स की बुक उठाना, सभी लोग फोर ईयर सीरीज कर चुके हैं, क्वेश्चन बिल्कुल भी चेंज नहीं है, वो सेम क्वेश्चन हमें करने हैं यहां पर भी जो आप फर्स्ट ईयर में भी करके आए थे। मैंने आपको एक अच्छा थोड़ा सा मॉडर्नाइज्ड मेथड बता दिया है
इस क्वेश्चन से, जिससे आपके और सारे क्वेश्चंस हो पाए। एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज के लिए स्पेसिफिकली हमें ध्यान रखना है बच्चों, क्या ध्यान रखना है कि हमें कैसे कोफिशियंट्स को बनाना है, बस हमें कोफिशियंट्स। अब देखो, अगर ए एन और बी एन मेरे पास आ गया तो मैं सी एन नहीं निकाल सकता क्या? सी एन क्या था? ए एन माइनस जे बी एन बाई टू, और सी माइनस एन क्या था? ए एन प्लस जे बी एन बाई टू। तो एक बार अगर मैंने ए एन और बी एन निकाल लिया है तो मैं सी एन और सी नॉट तो निकाल ही सकता हूं, क्योंकि सी नॉट तो वही है जो ए नॉट था, और ए एन और बी एन का फॉर्मूला मैं अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में बता चुका हूं। क्लियर है बच्चों? तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट वॉज फूरियर सीरीज। अब बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में देखिए, अगर आप अपना सिलेबस देखोगे तो नेक्स्ट टॉपिक है पावर फैक्टर। बट पावर फैक्टर इज अ पार्ट ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, थ्री फेज का पार्ट है, और फिफ्थ यूनिट में भी आपके रेजोनेंस वगैरह है, तो ये पूरा ऑल्टरनेटिंग करंट का पार्ट है। तो ये वाला पार्ट और रेजोनेंस वाला पार्ट बच्चों हम एक साथ पढ़ेंगे जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ लेंगे। अब मैं इसके बाद आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करूंगा, प्लस इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस या कुछ टॉपिक्स जो आपको सिलेबस में लग रहा होगा कि सिग्नल रिस्पांस हम कैसे निकालेंगे, वो जैसे ही आप लाप्लास पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि वो मैंने यहां पर क्यों छोड़ा हुआ है। क्लियर है? अच्छा, वंस अगेन, लाप्लास पढ़ने से पहले आई विश, आई होप आपको ग्राफ बहुत अच्छे से आते हो, बट मैं दो से तीन लेक्चर आपको ग्राफ या वेवफॉर्म सिंथेसिस पे बताऊंगा। तो मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी ऑन द बेसिक्स ऑफ वेवफॉर्म सिंथेसिस। सबसे पहले हम देखेंगे कि बेसिक्स क्या है, कैसे शिफ्टिंग होती है, कैसे स्केलिंग होती है, अगर स्केलिंग और शिफ्टिंग दोनों हो रहे हैं तो मैं पहले स्केल करूं या शिफ्ट करूं, ब्ला ब्ला एक्स वाई जी, अलग अलग तरीके के रूल पढ़ेंगे। उसके बाद हम तीन से चार बेसिक वेवफॉर्म्स पढ़ेंगे, यूनिट इंपल्स, रैंप, डेल्टा फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज, एंड देन वील मूव ऑन टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म। बाय द टाइम आई स्टार्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म, आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू टू गो थ्रू ऑल द फॉर्मूलाज जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, बिकॉज मैं बहुत जल्दी में फॉर्मूलाज बताऊंगा। वील सोली बी फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन सिग्नल एनालिसिस, राइट? टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। इन केस यू हैव फाइंड द कॉन्टेंट वर्दी इनफ, डू लाइक द चैनल, सब्सक्राइब इट। थैंक यू।